हस्त शनि आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियों को बढ़ा सकता है ये तो आपने जान लिया। अब उपायों की बात कर लेते हैं, यानी अस्त शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको कौन से अचूक उपाय करने चाहिए। चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, अस्त शनि के लिए कौन से उपाय करने होंगे? बृहत होरासर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को ज्योतिष शास्त्र में एक दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है और बहुत कम चांस होते हैं जब शनि बहुत अच्छा होता है। अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चय ग्रह। शनि अगर अपनी परमोच्च राशि में हो, परमोच्च राशि कहते हैं तुला राशि के 10 डिग्री पर, तब ये चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। तब ये क्या बनाता है? चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। लेकिन शनि अगर अशुभ स्थिति में है और शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है या चंद्रमा पर पड़ रही है या चंद्रमा के साथ युति है, तब तो समझ लीजिए कि पूरे जीवन को ये नरक बना देता है। तो हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शनि जब खराब होगा तो नस संबंधी बीमारियां होंगी, शनि जब खराब होगा तो बदनामी होगी, शनि जब खराब होगा तो एसिडिटी की इतनी बड़ी समस्या होगी कि गैस के कारण आप बार बार हार्ट चेक कराने पहुंच जाओगे कि मुझे हार्ट फेल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी गैस जा करके आपके हार्ट के पास रुकेगी और आपको लगेगा कि हार्ट अटैक होने वाला है। पेट से संबंधित बीमारियां होंगी और शौचालय में बैठ करके आप देर तक अपने को फ्रेश होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मूलाधार चक्र पर मकर और कुंभ राशियां होती हैं और शनि वहीं का स्वामी है। इसलिए ऐसे लोगों को मल त्याग करने में भी परेशानी होती है। शनि खराब होगा तो बवासीर, भगंदर, ये सब रोग भी उत्पन्न होंगे, नसों का रोग होगा। तो भैया, शनि अगर खराब है या शनि आपकी कुंडली में अस्त है तो शनि स्त्रोत का भी पाठ करना या सुनना चाहिए। और मेरी समझ से शनि को ठीक करने के लिए आँख बंद करके अपने हृदय पर ध्यान देकर जहाँ आपका हार्ट है उसके ठीक राइट साइड में मध्य भाग में ध्यान दे करके, ध्यान केंद्रित करके ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से शनि के सारे विकार दूर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ वृषभ और तुला राशियाँ हैं, तुला राशि शनि की उच्च राशि है, यहाँ शनि के मंत्रों का जप करने से शनि की स्पार्किंग यहाँ हो जाती है। ज़रूरतमंद बच्चों को पकौड़े खिलाना चाहिए, चमड़े के जूते दान करने चाहिए, घर का कबाड़ शनिवार को घर से निकाल देना चाहिए, लोहे की कढ़ाई शनिवार को शनि मंदिर में दान करना चाहिए, नया झाड़ू खरीद कर भी दान करना लाभकारी होगा, मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा देना चाहिए और कभी किसी गरीब दुखी लाचार व्यक्ति के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो शनि देव ऐसा कूटेंगे कि कोई संभाल भी नहीं पाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।